दौलतपुरा थाना क्षेत्र के बगवाड़ा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर बुधवार दोपहर को आत्महत्या कर ली। सूचना पर दौलतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया। वहीं मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जहां टीम ने साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार दौलतपुरा पुलिस ने बताया कि 18 वर्षीय महिला निवासी फकीरों का मोहल्ला सरकारी स्कूल के पास की रहने वाली है, जो दोपहर को अपने कमरे में लगे पंखे से फांसी का फंदा लगा ली। घटना का पता उस वक्त लगा जब विवाहिता कमरे से बाहर नहीं आई, तो परिजनों ने जाकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर खिड़की से झांक कर देखा तो महिला पंखे से लटकी हुई मिली। इस पर घर में चीख पुकार मच गई। वहीं घटना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को कांवटी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला का ससुराल खोरा श्यामदास गांव में है और इसकी शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। वह अभी पियर में रह रही थी।